राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्यूट कान्हा जी में। तो आज हम अपने कान्हा जी के लिए इस टाइप की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए स्पेशली बर्थडे के लिए बनाई है। तो इस ड्रेस को बनाना भी आसान है और आइडिया भी बिल्कुल यूनिक है। तो ये देखिए, और इसके ऊपर मैंने पग बांधी है जो कि मैंने पहले सिखाई हुई है, वैसे ही मैंने सिंपल जो है नेट की स्ट्रिप से पग बांधी है। तो ये देखिए, इस टाइप की जो है ड्रेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये वाली कटिंग की है। ये वाला मैंने कुछ लीफ शेप में जो है न्यूज़पेपर पे कट कर लिया है। तो इसकी मैंने ये वाली जो टोटल हाइट ली है वो मैंने ली है 8 इंचेस की, और ये वाली जो विड्थ ली है तो ये मैंने ली है 6 इंचेस की। तो ये दो और एक और दो नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट साइज़ है। तो सेम इसी साइज़ का मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। आप अपने कान्हा जी के हिसाब से इसको जो है एडजस्ट इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए मैंने 2 पीसेस कट किए हैं। एक मैंने सिंपल कॉटन का नीचे लगाने के लिए, और ये मेरा अपर पे में रहेगा। तो सबसे पहले मैंने इस साइड से मैंने ये वाला जो फ्रंट वाला फैब्रिक है उसको उल्टा रखा है। तो इस तरह से रख के मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। तो ये मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ज्वाइंट तो कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रंट में कैसे आएगा, क्योंकि हमने तो इसको जो है बैक साइड से किया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से करके कमर का वाला साइज़ अभी निकाल लेना है। तो ये मैं स्मॉल सा कट लगा रही हूँ राउंड शेप में, और इसमें से हम फैब्रिक को सीधा कर देंगे। तो इसके लिए मैंने इधर से इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए, ये सीधा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मैंने इसको जो है सीधा करके अच्छे से प्रेस भी कर लिया है, ताकि ये जो है खड़ा खड़ा ना रहे, आराम से इसके साथ पेस्ट हो जाए। तो ये मैंने इस तरह से बेस रेडी किया है। अब मैंने एक जो है नेट की फ्रिल ली है, ये इसकी विड्थ मैंने 5 इंचेस की ली है, और एक और इसी सेम फैब्रिक की मैंने ली है, उसकी मैंने विड्थ ली है 3 इंचेस की। तो हमने क्या करना है, ये वाली मैंने फ्रिल इस तरह से रखी, और इस तरह से 1-1 इंचेस के गैप में हमने चुनटे डालकर एक फ्रिल रेडी कर लेनी है। ये देखिए, ये फ्रिल बनाना मैंने बहुत सी पहले भी वीडियोस में सिखाया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरी मैंने फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, एक ये वाली स्मॉल मैंने फ्रिल रेडी कर ली है, और इसी ये वाली जो मैंने 3 इंचेस की स्ट्रिप ली है उसी में मैंने एक ग्रीन फैब्रिक की लेनी है, उसकी भी मैंने फ्रिल बना लेनी है। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रिल इसकी भी रेडी कर ली है, और इसकी भी, और जो ये वाली बिग वाली फ्रिल थी ये मैं अभी रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ग्रीन वाली फ्रिल है उसको तो ये वाली इस तरह से यहाँ पे लगाना है इस तरह से, और जो ये दो मैंने रेड कलर की ली है छोटी वाली को हमने पहले लगाना है इधर, बड़े वाली को इसके पीछे यहाँ पे इस तरह से। तो ये मैं इनको भी पेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कंप्लीट जो है बेस रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 फ्रिल्स ऐड किया है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। तो इन पे मैंने स्टिच लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने एक जो है ग्रीन कलर की स्ट्रिप ऐड की है, फ्रिल बनाई थी जो मैंने। और उसके बाद मैं एक ले रही हूँ मल्टी कलर की लेस। अगर आपके पास और कोई भी कलर की लेस है मैचिंग, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसी शेप में लगा देना है, यहाँ तक। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक और लेस। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप कुछ भी मत लगाइए, सिंपल इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो एक ये वाली मैं लेस ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, ये भी मैंने यहाँ तक ही ऐड करनी है, 1 साइड में, मैंने रेड वाली साइड में ही लेस को ऐड करना है। फिर मैंने कुछ लिए हैं मिरर लेस के पैचेस, उनको मैंने यहाँ पे लगा देना है। ये जो लेसेस है वो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पे जो स्टिच है वो दिखाई ना दे, तो इसीलिए मैंने ये वाले मिरर लेसेस के पैचेस कट करके यहाँ पे पेस्ट इस तरह से कर देने हैं। ये मैं मिरर लेस ग्रीन वाली साइड लगा रही हूँ, और ये दोनों जो है रेड वाली साइड। अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो लेस एक ही लगा लें। तो ये मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए मैंने लेसिस भी ऐड कर दी है, इस तरह के लुक आ जाती है। अब आप कहेंगे कि हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत कम ड्रेसेस इजीली पहनाई जाती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया है एक कट। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कलर का जो है गोल्डन वगैरह कलर का गोटा या फिर कोई भी लेस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही स्टिच कर दीजिए। तो ये मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये देखिए ये जो है हमारा कंप्लीट बेस रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी आर्म्स बनानी है। तो आर्म्स इनमें से आप किसी भी नेट की बना सकते हैं या फिर इस फैब्रिक की बना सकते हैं। तो इसे जो भी आपको बेटर लगे उससे आप बना लीजिए। तो इसके लिए मेरे पास ना तो ये नेट बची है और ना ही ये, तो ये मैंने कुछ प्रिंटेड इस टाइप की मेरे पास नेट है, तो मैं इससे बनाने जा रही हूँ। तो इसकी मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है। इसकी मैंने जो लेंथ है वो अबाउट 10 इंचेस की ली है और विड्थ मैंने 2 इंचेस की ली है। इसको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैंने 0.8 या 7 इंचेस का इसका रख लेना है, 1 इंची से भी थोड़ा सा कम, या फिर आप जो है 1 इंचेस के अप्रोक्सीमेटली रख ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इस तरह से स्टिच लगाना है और इसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं इक्वल साइज़ के। तो ये देखिए ये मैंने 2 स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं। अब मैंने इनको यहाँ पे इस तरह से आधे में मैंने स्टिच लगाना है और ये वाला इस तरह से हमारी जो चोली बनकर रेडी हो जाएगी। और इसको हमने यहाँ पे जो हमने होल किया है इस पर इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगाया और एक एक स्टिच मैंने इन दोनों आर्म्स पे इस तरह से लगाया। तो ये जो चोली है इसके साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी ड्रेस की डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने आर्म्स को जो है सेट कर लिया है। अब यहाँ पे क्योंकि लेस ये वाली जो मेरे पास नेट है वो इसी टाइप की थी, तो आप यहाँ पे जो है मिरर फिक्स कर सकते हैं या फिर वैसे ही मिरर लेस का पैच यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो मैं लगा लूँगी। और उसके बाद डेकोरेशन के लिए मैंने लिए हैं कुछ मेरे पास ये वाले डायमंड वाले स्टोन हैं और कुछ ये वाले जो है सितारे हैं और ब्लू कलर्स के कुछ स्टोन्स हैं। आपके पास कुछ भी हो बिंदी वगैरह तो आप उसकी हेल्प से भी इसकी डेकोरेशन ईजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट पे जो है बिंदियाँ और ये वाले स्टोन जो है कुछ ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है डायमंड और ये वाले ब्लू वाले स्टोन थे वो सभी जगह पे लगा दिए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लू वाली लाइन लगाई है, यहाँ पे सिर्फ जो है डायमंड स्टोन लगाए हैं, यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा जो है लुक इसकी क्रिएट हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलें। तो ये थी मेरे कान्हा जी की बर्थडे के लिए स्पेशल मैंने ड्रेस जो है डिज़ाइन की है। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए कोई ना कोई ओकेज़न के लिए ये वाली ड्रेस जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।